हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन से अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग अ कांस्टेंट करंट। द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी विद द डिस्टेंस टी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। सो आप हम बोला जा रहा है कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर, इसका रेडियस कैपिटल आर, वो कैरी करता है कॉन्स्टेंट करंट को। सो हमें प्लॉट ड्रॉ करना है फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस टी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा फिर उसे हमें चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली मैग्नेटिक फील्ड एट टू सिलेंड्रिकल टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एंड दिस वी विल गेट फ्रॉम द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ से द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू म्यू नॉट इन टू द आई नेट होता है, जहाँ पर म्यू नॉट मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, आई नेट इज द नेट करंट, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, डी एस इज द सरफेस एरियल वेक्टर। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड टू द सिलेंड्रिकल कंडक्टर यूज करना है। सो माना कि इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर होगा, ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल ऑफ आर की इक्वल है, एंड फ्रॉम द एक्सिस अप टू द डिस्टेंस ऑफ आर, यदि हम मान लेते हैं पॉइंट पी है। सो इसके लिए बेसिकली दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट होती है। सो उन फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। तो सबसे पहले फॉर आर टू बी ग्रेटर देन टू आर, यानी कि आउटसाइड द सिलेंड्रिकल कंडक्टर, द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आर डिवाइडेड बाय टू पाई आर होगा। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यानी कि डिस्टेंस आर। उस तरीके से जब आर विल बिकम इक्वल टू आर, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आर डिवाइडेड बाय टू पाई, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर हो जाएगा, दैट इज द रेडियस ऑफ दैट सिलेंड्रिकल कंडक्टर, एंड बेसिकली इट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। उसी तरीके से व्हेन आर विल बी लेस देन टू आर, यानी कि यदि ये पॉइंट पी पर ना होते कभी इस पॉइंट पर हो इनसाइड टू द सिलेंड्रिकल कंडक्टर, सो उस कंसेप्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, यानी कि इनसाइड टू द सिलेंड्रिकल कंडक्टर, तो आ जाएंगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आर इन टू में आर डिवाइडेड बाय टू पाई आर का स्क्वायर। सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, आर के, इनसाइड टू द कंडक्टर। सो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम सिंपली बोल सकते हैं कि देखिए इनसाइड टू द कंडक्टर, ठीक है, इनसाइड टू द कंडक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर आ रहा है, एंड एज पर द क्वेश्चन ये डिस्टेंस हमें किसके इक्वल बना है, डी के। सो हम बोल सकते हैं कि सिंपली फॉर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, एंड देन फॉर द सरफेस फॉर द सरफेस इट इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट, इट इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट। और उस तरीके से द मैग्नेटिक फील्ड फॉर आउटसाइड जो है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस डी के। तो इनका यूज करते हैं, अब हम यहाँ पर सिंपली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं फॉर द मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस द डिस्टेंस डी। सो देखिए इनिशियली एक लीनियर रिलेशन मिल रहा होगा, ठीक है, बिकॉज एज द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज द डिस्टेंस डी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। सो एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगी विच विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और जैसे ही आर बिकम इक्वल टू आर इट्स बिकमिंग अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, और इसके बाद फिर हमें क्या मिलेगा, एक हाइपरबोलिक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो वी वुड से दैट एट आर इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ आर ये रिस्पॉन्स मिलेगा, और उसके बाद फिर हमें हाइपरबोलिक रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि बी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस डेट।
सो ऐसा ग्राफ हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? सो ऑप्शन ए में नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो रही। स्टेट बी, ओके ऑप्शन बी इज आल्सो इनकरेक्ट क्योंकि इसमें भी कोई स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो रही। ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है फ्रॉम द ओरिजिन अप टू आर बिकम डी बिकम इक्वल्स टू आर और उसके बाद एक हाइपरबोलिक रिस्पांस मिल रहा है। सो यस ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन वाइल टू सी ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी में एक स्ट्रेट लाइन पास तो हो रही है फ्रॉम द ओरिजिन लेकिन आफ्टर बिकमिंग अ कॉन्स्टेंट देयर इज अ सिंपल अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू द डिस्टेंस व्हिच कैन नॉट बी पॉसिबल क्योंकि यहाँ पर ये डी का इन्वर्सली प्रोपोर्शन में आ रहा है। सो हाइपरबोलिक रिस्पांस मिलेगा इसीलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। सो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। फुल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।